केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह साहब हमारे साथ हैं, जो आज यहाँ अंबेडकर विचार गोष्ठी में शिरकत करने आए हैं। सर, आज इतना बड़ा पर्व है, पूरा देश मना रहा है। आज के परिदृश्य में जो डॉक्टर अंबेडकर की जो भूमिका है, वो किस तरीके से आप देखिए, किसी भी चीज़ को जब हम देखते हैं, उसका विश्लेषण आज की स्थितियों में करना चाहिए। और अगर आप आज की स्थिति में उसका विश्लेषण करते हैं, तो आपको बाबा साहब की हर बात को आज के समय में अगर आप तोलेंगे, तो उनकी बिल्कुल एक सही विवेचना आपको मिलेगी। और किस तरीके से समाज के अंदर समरसता लाई जा सकती है, वो उनके विचारों से साफ निकल कर आता है। सर, मोहन भागवत साहब का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि अगले 15 साल में हमारा देश अखंड भारत होगा, वो भारत जिसमें आसपास के कई देश शामिल थे। आपको क्या लगता है कि ये जो सपना है, क्या 15 साल में साकार हो पाएगा? जब महापुरुष कोई सपना देखते हैं, तो कहीं ना कभी ना कभी साकार होता है। सर, स्ट्रेटजी उसकी देखिए, जनरल वीके सिंह साहब भी मोहन भागवत के उस बयान का समर्थन कर रहे हैं, जिसको लेकर तमाम तरह के आरोप और प्रत्यारोप विपक्ष लगा रहा है। लेकिन उनका कहना है कि जब किसी महापुरुष ने कोई सपना देखा है, तो उसके लिए स्ट्रेटजी भी जरूर बनेगी। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।